हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। सो लास्ट एपिसोड में आप सभी को याद होगा हमने थोड़ा सा रिसोर्सेज वगैरह फार्म किया था, बट अभी तक अपने को ड्रॉप वगैरह नहीं मिला। एंड लकीली आज के दिन यहाँ पे आने वाला है ड्रॉप। तो मैंने डिसाइड करा ऑयल ड्रम्स की रेसिपी हम लोग बाद में लर्न करेंगे। सबसे पहले जाते हैं ड्रॉप में, देखते हैं अपने को ड्रॉप वगैरह मिलता है या नहीं मिलता। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तेरे साथ तो चार टीममेट है, वो कहाँ है। एक्चुअली मैं, वो मेरे टीममेट नहीं है, मेरे को इसी सर्वर्स में मिले थे, तो मैं उनके टीम में गया था। एंड अभी जो है ना, वो सारे के सारे ऑफलाइन है। तो भाई ड्रॉप आया है, ड्रॉप तो करना है। एंड इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ पे बैंडिट कैंप में पहुँच चुका हूँ। सबसे पहले ऐसे करते हैं, अपना लगा लेते हैं यहाँ पे स्लीपिंग बैग। अगर मैं यहाँ पे मर गया तो अपना स्लीपिंग बैग में स्पॉन होकर दोबारा से मैं उनको मार सकता हूँ। एंड अब धीरे धीरे चलते हैं सीधा ड्रॉप के पास में, देखते हैं कितने बंदे वहाँ पे अपने को मिलेंगे। अभी तक तो कोई फायर वगैरह के शॉट्स आए नहीं है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी बंदे वगैरह आए हुए हैं। थोड़ा सा पास जाकर देखता हूँ क्या होता है भाई, मतलब पूरा देखते हुए चलना होगा। अरे भाई दो बंदे देखो, उछलते उछलते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर इनको पीछे से मार पाऊँ तो मारने का ट्राई करूँगा। आई थिंक उन्होंने मेरी साइकिल की वो सुन ली है। हाँ देखो, मैं बोला ना वो साइकिल का मारकर देख लिए हैं, तो अभी मेरे पीछे आएंगे। वैसे भी दो बंदे हैं, तो मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ एंड दूर से उनको मारने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे पास रेड डॉट वगैरह तो है। यार पत्थर का कवर है, कवर के पीछे बैठते हैं एंड मारने का ट्राई करें। अरे भाई देख रहे हो भाई, मतलब उस सब छः दिन वाला रैंक में ना पुराने बंदे खेलते हैं। ऐसा देखो, देख रहे हो आप लोग खुद देखो। अरे भाई रुक जा भाई, एक तो गया, मेरी एचपी बहुत ज़्यादा कम है। सबसे पहले तो मैं इसको पूरे का पूरा फिनिश करता हूँ। ठीक है अभी इसको फिनिश करता हूँ। सबसे पहले मेरे को अपना हेल्थ वगैरह इंक्रीज करना होगा, तो मैं ऐसा हो करता हूँ ना यहाँ पे। अरे यार बंदा देख लिया मेरे को। अरे नहीं, वो बंदा देख लिया था। अगर मैं हेल्थ करना बैठता तो वो इजीली मार देता। मैंने डिसाइड करा थोड़ा सा मैं फाइट वगैरह ले लेता हूँ। लकीली मेरा गन वगैरह तो नहीं गिरा। वो बंदा किधर है? वो बंदा इधर ही था डेफिनेटली। अगर यहाँ पे नहीं है तो वो ऊपर ड्रॉप के पास गया होगा, तो उधर ही चलना पड़ेगा अपने को। पहले गन रिलोड करो एंड उसके बाद चलो। ओके यहीं पे वो साइकिल का मार्क आ रहा है ना मेरे को। लगता है वो ड्रॉप की तरफ चल रहा है, तो मैं भी ऐसा करता हूँ ना, उधर ही चलता हूँ। ओके ये रहा उसका बैग भाई। सबसे पहले तो उसको मारना पड़ेगा, ऐसा तो काम चलेगा नहीं अपना। ओके ऊपर फायर हो रहा है, ऊपर फाइट हो रही है। चलो चलते हैं, ये रहा साइकिल लेके भागा। देखो ऐसा करते ना, अभी दूर से फायर करने का ट्राई नहीं करेंगे हम लोग, जैसे उसके पास पहुंचेंगे फिर मारने का ट्राई करेंगे। चलो एक तो गया, दो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं उनको भी मारना है। सबसे पहले तो इसको पूरा का पूरा फिनिश करो। वो निकला, एचपी बहुत ज़्यादा कम है, वो गाड़ी के अंदर बैठेगा। नहीं इसके पास गाड़ी है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लो भाई एक और गया, एक और आया, उसने अपना पेसमेकर यूज़ करा। चल भाई तू भी निकल। बस एक बंदा बचा हुआ है जो गाड़ी के अंदर है। ऐसे कहते हैं ना, इनको पहले पूरा का पूरा फिनिश कर लेते हैं, छोड़ना नहीं है भैया। पेसमेकर यूज़ कर देंगे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे शॉटगन निकाले गए हम। भाई कितनी गोली लगी उसमें, आपने भी देखा कितनी गोली लगी, फिर भी बंदा मरा नहीं है। चलो अभी मैं दोबारा से बैग में स्पॉन हुआ, बंदा वो रहा। आ यार इसका यहाँ पे ना देखो, दो दो बंदे ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दो दो बंदे हैं इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अकेला बंदा क्या करेगा।
सो उसके बाद मैं दोबारा से आया, अरे भाई यहाँ पे तो ड्रॉप ऑलरेडी लूट चुका है, यही लेके जा रहा होगा। चल भाई निकल। मार दिया भाई दोनों को। मेरी गोलियां खत्म हो गई। अरे भाई मर भाग ले भैया, मेरी गोलियां खत्म हो गई, मैं उसको मार भी नहीं सकता। ऐसे करते ना यहाँ पे से भागते हैं, अगर वो मार देगा तो फिर तो क्या बोले हम, सीधा अपने बेस में स्पॉन होंगे। ठीक है अब यहाँ पे आके तो कोई फायदा नहीं है। चलो तो अभी सबसे पहले ऐसे करते ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉम्ब सेल्टर के पास आया था क्योंकि अपने को अपना थोड़ा सा सामान वगैरह मेल्ट करना है, क्योंकि अपने को क्लॉथ चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी डिसमेटल करने लगाया हुआ है, एंड यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा साइकिल का आवाज़ आया था, तो मैंने सोचा क्या पता जो है ना बंदा यहाँ पे आ सकता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैंप करके बैठा हुआ है। मैंने कहा अगर वो बंदा जो साइकिल, अरे आ गया बंदा, आ गया, वो भी कैंप करके देख रहा है कि बंदा कहाँ पे है, बट उसको क्या पता भैया मैं तो इधर है। चल भाई निकल। तो यहाँ पे अभी रूम है, फटाफट से रूम करते हैं, फिर जाएंगे अपने बेस में। सबसे पहले तो अपना बेस को जो है ना अपग्रेड करेंगे पूरा का पूरा आयरन में, एंड उसके बाद हम अपना जो ऑयल ड्रम है उसका रेसिपी लर्न करके फिर निकलेंगे थोड़ा सा बेस वगैरह रेड मारने के लिए। चलो ठीक है, एमो चेस्ट मिला। ओके यार यहाँ पे थोड़ा सा सामान है वो डिसमेंटल करता हूँ, एंड उसके बाद चलते हैं फिर अपने बेस में। वैसे मेरे पास रोप है, मैं सोच रहा था उसको भी डिसमेंटल मार दूँ, बट रोप को डिसमेंटल मार के लगता नहीं है कोई फ़ायदा है, हैंडमेड बनाने के काम आएंगे, रख लेते हैं उसको। चलो ओके यार यहाँ पे अपना सारा का सारा सामान जो है ना डिसमेंटल हुआ, एंड अभी जो है ना यहाँ पे हम लोग फटाफट से निकलते हैं। ये बंदा आया, चलो कोई नहीं। ओके यार यहां पे अभी अपना बेस को जो है ना अपग्रेड कर लेते हैं पूरे का पूरा आयरन में। लेट्स गो, 4000 आयरन चाहिए, मेरे पास होगा आई थिंक उतना आयरन तो हो जाएगा जिससे अपना बेस वगैरह अपग्रेड हो जाए, बट यहां पे मेरे को लगता है ना ऑयल ड्रम्स बनाने के लिए मेरे पास उतना आयरन बचा नहीं है अभी। देख लेते हैं यहाँ पे क्या पता होगा अपने पास थोड़ा सा पाड़ा हुआ आयरन। अरे भाई 500 आयरन मेरे को यहाँ पे से मिल गया, 4000 सल्फर है अपने पास। ठीक है थोड़ा सा आइटम्स तो यहाँ पे इजीली बन जाएगा अपना। तो ऐसे करते हैं ना, जितना भी मेरे पास वो है उसका मैंने जीपी बनाया, एंड अभी फटाफट से जो है ना मैं अपने के लिए बना लेता हूँ आइटम्स, क्योंकि यहाँ पे 2-4 बेस है। मेरा प्लान है सबसे पहले उन बेस को हम यहाँ पे रेड्स वगैरह करेंगे। 16 ऑयल बम बन रहे हैं, मजा आ जाएगा। दो चार ऑयल बम्स और बना दें, यस ऐसे करते ना, 2-4 ऑयल बम बहुत है, 16 इतने में हो जाएगा अपना। ऐसे कर दो ना थोड़ा सा एमो बना लेता हूँ, क्योंकि जितना भी मेरे पास एमो था वो सारे का सारा तो ड्रॉप में ख़त्म हो गया भाई, अभी मेरे पास एमो भी नहीं है। तो अभी सबसे पहले हम एमो बनाते हैं अपने के लिए, फिर जो है ना निकलते हैं थोड़ा सा बेस वगैरह रेड करके आते हैं। चलो बस बनने वाले हैं, थोड़ा सा बच गया। 16 ऑयल बम है एंड 3 ऑयल बम मेरे वैसे हैं लगभग अपने पास, 19 ऑयल बम हो जाएंगे। 19 ऑयल बम पे अच्छा खासा बेस वगैरह तो रेड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बढ़िया ठीक ठाक।
तो चलो गाइस फाइनली मेरे सारे के सारे आइटम्स यहाँ पे बनके रेडी हो चुके हैं। भैया यहाँ पर रैंप कौन बनाया मुझे नहीं पता, लगता है वो अपना बेस वगैरह देखने आया होगा रेड मारे का, बट कोई नहीं, यहाँ पे दो तीन अपने बेस के बगल बगल में बेस है, सबसे पहले तो उनको करते हैं रेड। पहले मेरे को ना वहाँ पे एक बेस दिख रहा है, मुझे लगता है अगर उस वाले बेस को मैंने रेड मार दिया तो वहाँ से डेफिनेटली मेरे को सामान वगैरह तो मिल जाएगा। चलो चलते हैं रेड मार के देखते हैं क्या मिलता है। ओके भाई पूरा का पूरा स्टोन का है बेस। चलो ठीक है, तीन ऑयल ड्रम लगाता हूँ मैं यहाँ पे। भाई 10 ऑयल ड्रम्स और मिल गए मेरे को क्या? नहीं 10 ऑयल भाई, मतलब 10 ऑयल ड्रम्स कैसे मिले अपने को एक्स्ट्रा? चलो यहाँ पे बंदा है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तुम्हें भी लगा? मुझे ऐसा लगा कि मेरे को 10 आइटम्स मिले एक्स्ट्रा। अरे भाई ऊपर जाने के लिए रास्ता है, वैसे यहाँ पे फर्नेस वगैरह जल रहा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है फर्नेस के अंदर थोड़ा सा लूट हो सकता है। देखो फर्नेस किधर है इसका। ओके एक ही फर्नेस है भाई। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, उससे अपने को ठीक ठाक सामान तो मिला। अब कैबिनेट वगैरह उड़ा के तो कोई फ़ायदा है नहीं इसका, क्योंकि मुझे भी पता है अगर कैबिनेट उड़ाऊँगा अपने को कुछ खास मिलेगा। अरे भाई ये रहे ना छोटे छोटे बॉक्सेस खाली हैं। ठीक है आर्मर मिला, आर्मर उठा लेता हूँ मैं, आर्मर काम आएगा। और तो कुछ यहाँ पे है नहीं, एंड चलते हैं यहाँ पे सब फटाफट से बाहर। और यहाँ पे मेरे को दो तीन बेस दिख रहे हैं, तो मेरा प्लान है इनको अभी हम लोग क्लियर करते हैं सबसे पहले। तो फटाफट से चलता हूँ मैं सीधा अपने बेस में, जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है वो सारा का सारा मैं डालूँगा अपने बेस के अंदर, फिर इनको मारेंगे हम लोग यहाँ पर रीड। ओके सबसे पहले ये वाला बेस को रेड मार लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे का सामान वगैरह सारा उठा के फिर चलेंगे सीधा हम अपने बेस पे। चलो दोनों डोर टूट जाएंगे, टूट गए। भाई क्या बेस है ये, भाई कितना घूमना पड़ेगा मेरे को। अरे भाई मैं तो घूम घूम के थक गया। अरे ये रहा, तो ठीक है अपने को डोर मिल गया। सबसे पहले डोर में लगाता हूँ मैं तीन ऑयल ड्रम्स। भाई ये भाई के पास रेड डॉट है, मज़ा आ गया। मतलब रेड डॉट मेरे पास भी था बट इनसे भी मेरे को रेड डॉट मिला। उठा लेता हूँ सारा का सारा सामान। ऑफलाइन है भाई इसलिए रेड मार दिया, अगर ऑनलाइन रहता तो मैं नहीं मारता ऑनलाइन। भाई खेलने का मज़ा सबको चाहिए। चलो गाइज यहाँ पे अपने को कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं, फटाफट से हम लोग ऐसे करते ना यहाँ पर से निकलते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, मैं भूल ही गया भैया बाहर जाने का रास्ता किधर है। एंड यहाँ पे मेरे को साइकिल की आवाज़ आई, लगता है यहाँ पे एक बंदा आ चुका है जो अपने को डेफिनेटली दिक्कत दे सकता है। तो फटाफट से यहाँ पे सब बाहर निकलो, नहीं तो उसके साथ फाइट हो जाएगा अपना।
भाई अगर वो मार दिया ना अपने को तो भाई दिक्कत। चलो, अरे गेट खोला, यहीं पे है बंदा। आगे, ओके ये रहा ना बाहर जाने का रास्ता। ऐसे करते ना, पहले इसको मार के ही जाएंगे हम लोग बाहर। भाई बहुत गलत सीन हो रहा है यहाँ पे। करो 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 करो, रिलोड कर लूँ गन, उसको मारेगा जरूर। मैं घूम घूम के जाता हूँ ना, पीछे से मारूंगा। ओ भाई किधर गया ये, तो लुक्का छुपी खेल रहा है भाई मेरे साथ। वो भी लगा हुआ है लुक्का छुपी खेलने में मेरे साथ। कोई टेंशन नहीं है भाई, मेरे को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मेन दिक्कत वो है यहाँ पे। बाहर जाने का रास्ता मिल गया ना तो मैं फटाक। भाई बहुत ज़्यादा सामान है यार मेरे पास। शॉटगन नहीं है, शॉटगन रहता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, बट मेरे पास शॉटगन है नहीं। आ रहा है, गेट खोला उसने। मुझे नहीं पता बट किधर से खोला, बट गेट खोला है उसने। ओके ये रहा भाई, भगले पीछे से। यार बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा मेरे को। चलो भाई, 6 ऑल ड्रम्स गिर गए मेरे। बट सबसे पहले तो जितना भी मेरे पास सामान था वो मैं डालता हूँ यहाँ पे। मैंने आधा सामान तो डाल दिया, थोड़ा सा बच गया वो भी मैंने डाला। एंड अभी हम लोग चलते हैं, एंड जिस बंदे ने मेरे को मारा भैया उससे रिवेंज तो लेना है अपने को। चलो यहीं पर है, ज़्यादा दूर नहीं गया वो। ये किधर भाग रहा है भाई, मेरे बम से वो रेड मार रहा है उधर। इसकी तो ऐसी की तैसी, रुको भाई। सबसे पहले तो इसको मारना पड़ेगा मेरे को, अगर इसको नहीं मारा ना ये दिक्कत कर सकता अपने के लिए। अरे ये तो भाग रहा है भाई, चलो उसको भागने दो भाई। वो यहाँ पे सब भाग रहा है, लगता है उसके पास कोई भी गन वगैरह नहीं है। बट यार उसको देखना पड़ेगा, जिसने मेरे बम वगैरह ले गया ना। सबसे पहले तो उससे रिवेंज लेना है अपने को। निकलेगा वो बाहर अपने बेस से, कहीं पीछे वाला बंदा आकर अपने को धप्पा ना कर दे। पीछे भी देखना पड़ेगा अपने को। अरे निकला वो बाहर वहाँ से, देखो। सबसे पहले पीछे वाले को मार के आते हैं वो पेड़ के। ये रहा देखो, मैं बोला ना वो निकलेगा बाहर मेरे को मार निकले। यहाँ पे ना सब पीछे से धप्पा देने वाले होते हैं। चल बैठे। अरे वो भी आ गया, ऐसे रुक। गन रिलोड हो गई मेरी, और शॉर्ट गन निकाल दी बाहर। जा बेटे वहां पे तो अंदर मार लिया, बट यहां पे थोड़ी ना मार पाएगा। किधर गया, आ गया मजा, आ गया बेटा मजा। ताई उसने मेरे 6 ऑयल्ड्रम तो वेस्ट कर ही दिया अपना। मैंने करना था उसको रेड, बट कोई टेंशन नहीं है, ये भी गया। तो अभी मैं जाता, मेरे को लगा ना नहीं SMG था, मैं को ऐसा लगा फार्माज मिला मेरे को। पहले हील करता हूँ अपने को। सो हाँ यार, मैं जो है ना काफ़ी खेल रहा था बीच बीच में, क्योंकि अब मेरे को इतना वीडियोस वगैरह के चक्कर के हिसाब से नहीं खेलता। बस मैं 2-3 दिन खेलता सर्वर में, मज़ा करता हूँ, एंड उसके बाद जो है ना निकल जाता हूँ। ये चाइनीज हैकर किसको बोलता है रे, होगा कोई ना कोई हैकर होगा। चलो पहले एक बार यहाँ पे हम इस वाले बेस को भी चेकआउट करके आते हैं। वैसे उसने रेड तो मार ही दिया होगा। उसका साइकिल उठाता हूँ और निकलता हूँ। एक बेस यहाँ पे भी है भाई, इसको रेड मारना है। बट इसको रेड मारने के लिए ना बॉम्ब काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैं साइकिल उठा लेता हूँ, कहीं उस बंदे को पता ना चले कि
मैं सोच रहा हूँ अगर इसका और उसका यहाँ पे सब फाइट हो जाए ना, क्योंकि मैंने साइकिल उसके सामने उठाई है, तो मजा ही आ जाएगा। बट कोई टेंशन नहीं, देखेंगे अगर फाइट होगा तो मैं जान। अरे भाई यहाँ पे अपने टीममेट का बेस कोऑर्डिनेट मार लिया, अंदर जाकर देखना पड़ेगा। छोड़ो उसको बाद में देखूंगा मैं, सबसे पहले तो चलते हैं अपने बेस में। एंड जितना भी मेरे को सामान वगैरह मिला है, गन वगैरह मिली है, वो सारा का सारा हम अपने बेस पर रखते हैं। यार मेरे को तो मन करता है ना गेम वाले सोलो मोड लेके आ जाए, तो मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा। क्योंकि यार मतलब जो एक ही सर्वर में सोलो डुओ स्क्वाड लीजन अल्ट्रा लीजन सब खेलेंगे ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेम अनबैलेंस हो जाता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, मन इसलिए भी नहीं करता है मेरे खेलने का। एंड बहुत से रीज़न है, बट यार मैं थोड़ा सा मज़े करने के लिए खेलता हूँ अपना। एक दो दिन खेला बस निकल गया, उससे ज़्यादा मैं गेम खेलता नहीं हूँ, क्योंकि अब इतना मगजमारी लेके कोई फ़ायदा नहीं है यार। जस्ट फॉर फन जाओ एंड एक आधा दिन खेलो, जब जब तक बंदे रहते हैं भाई, लास्ट तक खेल के कोई भी फ़ायदा है मुझे नहीं लगता यहाँ पे फ़ायदा है अपना टाइम इन्वेस्ट करके। बाकी तो यार आपके ऊपर है, मैं आपको अच्छा ही गाइड कर सकता हूँ। बाकी आपको खेलना है जितना खेलो, पूरा रात दिन लगे रहो चलेगा। तो जितना भी मेरे पास यहाँ पे आयरन सल्फर मिला है, वो सारा का सारा मैं अपनी फर्नेस में डालता हूँ। एंड उसके बाद मैं जाऊँगा थोड़ा सा अपने टीममेट का बेस देखने के लिए, क्या पता यार वहाँ पे थोड़ा सा सामान वगैरह मिल जाए अपने को। चलो तो ओके, जितना भी मेरे पास सामान था सारा का सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वैसे लाइट वर्जन कौन कौन खेल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वहाँ पे तो कार्गो आता नहीं है, बस ड्रॉप वगैरह आता है, ठीक है। बट यार गेम सेम है, वहाँ पे भी हैकर्स आते हैं, मैंने भी देखे हैं वहाँ पे हैकर्स भाई बहुत। वो जो फाउंडेशन के अंदर घुसता ना वाला हैकर देखा था मैंने एक सर्वर में। चलो अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा अपने सब्सक्राइबर का बेस, सब्सक्राइबर नहीं अपने टीममेट का बेस देख के आता हूँ। वो चाइनीज आ गया रिपोर्ट में, दोनों हैं। ओके भाई पूरा का पूरा लूट लिया बंदे ने, लॉक भी नहीं लगाया था अपने बेस में, वो तो सारा का सारा इसका लूट के गया, कुछ नहीं है। तो चलो गाइस फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड मन करे तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सा हो सकता है वो मुझे भी नहीं पता। तो चलो यार मिलता हूँ फिर एक नए गजब के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।